फिर भी सरकार की लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी के चलते उस बच्चे को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद है महासंघ के अध्यक्ष उपेन। इनसे बात करेंगे कि आखिर अभी जो रीट भर्ती परीक्षा गई है उसके साथ में बेरोजगारों की मांग को वो काफी समय से लगातार उठाते रहे हैं, और आगे इनकी क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से वो बेरोजगारों की मांगों को उठाएंगे। उपेन, सबसे पहले बात करें तो अभी रीट परीक्षा का आयोजन सरकार ने किया, बड़े चाक चौबंद व्यवस्था सरकार ने कर रखी थी, लेकिन फिर भी सरकार के पेपर लीक हुए और कहीं ना कहीं दर्शाता है कि क्या सरकार अपने कार्यक्रम में पूरी तरह से फेल रही है या पास रही है। देखो, रीट का ही पेपर नहीं, एसआई का भी पेपर है, क्योंकि अभी धीरे धीरे रीट का जो मामला उठा है, एसआई का मामला दबता नजर आ रहा है। लेकिन ना एसआई का मामला दबेगा ना रीट का मामला दबेगा। इस लड़ाई को मैं अंतिम क्षण तक लड़ूंगा, और 14 अक्टूबर को मैं अमर अनशन में बैठ रहा हूँ। आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। यदि सरकार ने समय रहते इस पर फैसला नहीं लिया, कि कल अल्टीमेटम दिया है, 7 दिन का अल्टीमेटम राज्य सरकार को दिया है, 7 दिन के अंदर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना, तो इसके जो आंदोलन के लपटे हैं, आंदोलन का जो नुकसान सरकार को आने वाले जो विधानसभा उपचुनाव तक भी पहुंचेगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव है वहां भी हम जा सकते हैं, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई का ऐलान है। क्योंकि आंदोलन से पहले, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री से मैं खुद मुलाकात करके उनको पूरी स्थितियां बताई है कि किस प्रकार एसआई का बीकानेर से पाली पेपर आया है, 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं, वीडियो आना, ओमार सीट आना, और वही मामले को दबाना, वही रीट का जो मामला है जिसमें बत्तीलाल जो मुख्य सरगना अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, फरार है, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तारी के बाद इसकी सारी चीजें खुलेगी, क्योंकि उसको पेपर किसने दिया, कहाँ का पेपर दिया, कौन से राजनेता का संरक्षण है। और जो गंगापुर सिटी पेपर पूछा है, 8:30 बजे पेपर आया है, नीमराणा का जो कांड हुआ, 6 निर्दोष बेरोजगार अभ्यर्थी मुकदमे दर्ज कर दिए, कई बेटियों को वंचित कर दिया एग्जाम से, और भविष्य की जो होने वाली भर्तियों में गैर जमानती सख्त कानून लाया जाए जिसमें 10 साल की सजा भी हो और उनकी संपत्ति जब्त की जाए, ये तमाम 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अब कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के और जो मंत्रियों से जो मीटिंग हुई थी, मंत्रियों ने मुझे लिखित में मांगा था, तो वो भी मैंने उनको सौंप दिया है, और साथ में अल्टीमेटम दे दिया, क्योंकि अब हमारी सरकार से सीधी लड़ाई होगी, हम सीधा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, क्योंकि हमें न्याय चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री जी ने बुलाया तो मैंने वहां बात रखी, मंत्रियों से वार्ता हुई, जहां तक बात रखनी थी, सरकार तक बात पूछानी थी, वो पूछा दी है, अब निर्णय सरकार को लेना है, लेकिन हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी और ये लड़ाई अंतिम क्षण तक चलेगी, चाहे हमें विधानसभा उपचुनाव विरोध करना पड़े, चाहे उत्तर प्रदेश जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, हम लड़ाई लड़ेंगे 14 अक्टूबर को इन्हीं जो 7 मुद्दों के साथ, और जो सरकार से पहले हमारी कई भर्तियों को लेकर समझौते हुए तमाम प्रदेश के बेरोजगारों के लिए अमर अनशन में बैठ रहा हूं। उपेन, बात करें तो कहीं ना कहीं इस बार की जो परीक्षा का आयोजन सरकार ने, प्रशासन ने जिस स्तर पर किया था, वो वाकई एक बार तो लग रहा था कि काबिले तारीफ सरकार की कोशिश थी, लेकिन कहीं ना कहीं किस लूपहोल की बात करें कि सरकार के जो अंदर के नुमाइंदे हैं वो इस परीक्षा को फेल करवाना चाहते थे, या फिर वो चाहते ये थे कि परीक्षा का आयोजन सही तरीके से नहीं हो, सरकार को केवल रुपयों का फायदा हो और बेरोजगार जो हमारे प्रदेश के युवा हैं उनको किसी ना किसी तरीके से फायदा ना हो, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से देखा जाए तो भर्तियां बहुत कम सरकार निकाल रही है। जब चुनाव 2019 में हुए थे उस समय भी सरकार सत्ता में आई थी तो सरकार ने वादा किया था कि वो युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी लगातार निकालेंगी और प्रदेश के युवा बेरोजगार नहीं रहेंगे। देखो, आपकी जो बात है जिसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि लगातार हम मांग कर रहे थे कि जब तक अपराधियों में भय नहीं होगा, डर नहीं होगा। अभी रीट और एसआई में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, डमी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, नकल करने वाले पकड़े गए हैं, और जो पेपर लीक करने वाले पकड़े गए हैं, लेकिन इनको गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, लेकिन ये थोड़े दिन बाद जेल से बाहर आ जाएंगे। इन अपराधियों में डर होना चाहिए, भय होना चाहिए, और इनके खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सख्त कानून नहीं बनाएंगे, राज्य सरकार ने कहा, जो हमने राज्य सरकार से मांग की कि जो स्कूल और परीक्षा केंद्र लिप पाया जाएगा उसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए, एक भी स्कूल और परीक्षा केंद्र की मान्यता रद्द अभी तक नहीं हुई है सरकार पर, सीधा बड़ा सवाल है, आपने कमला देवी परीक्षा केंद्र नीमराणा मंडल का उसकी आपने मान्यता रद्द क्यों नहीं की, और जहां गंगापुर सिटी जो स्कूल का नाम आ रहा है तो उनकी मान्यता रद्द क्यों नहीं की। इसके अलावा जो कानून बनाने की बात चल रही है, क्योंकि कानून नहीं बनेगा डर नहीं होगा, क्योंकि सरकार को सख्त कानून बना देनी चाहिए, क्योंकि आने वाली भर्तियां भी हैं, कानून बनेगा तभी अपराध रुकेगा, अन्यथा इन लोगों ने उद्योग धंधा बना दिया है, इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि सारे अपराधियों को पकड़ा जाए, खुलासा किया जाए कि इनके पीछे किस राजनेता का हाथ है, क्योंकि 100% कहीं ना कहीं बड़े राजनेता का नाम इसमें आएगा, क्योंकि बिना राजनेता के संरक्षण पर ये पेपर लीक नहीं हो सकते, इसलिए हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया, पूरी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है,
क्योंकि अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। 14 अक्टूबर को आमर अनशन के साथ साथ सोशल मीडिया मीडिया के माध्यम से हमारा आंदोलन जारी रहेगा। फिर बात करें तो जिस तरह आपने बात की प्रदेश में बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल पा रही, लेकिन हमारे प्रदेश की जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपने परिवार के लोगों को नौकरियां प्रदान कर रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि हमारे प्रदेश के जो युवा हैं वो कहीं और है और उनके परिवार के जो लोग हैं वो उन बेरोजगार युवाओं से पहले उनकी प्राथमिकता में है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपने शिक्षा मंत्री का नाम लिया तो शिक्षा मंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री महोदय जी, जब आप कह रहे हो भर्तियां पारदर्शिता के साथ हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो दे दीजिए सीबीआई को जांच। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्यों डर रहे हो? क्योंकि ईमानदार आदमी सही आदमी कभी नहीं डरेगा। आप कह रहे हो कि बिल्कुल सही भर्ती प्रक्रिया है, तो आप जांच सीबीआई को क्यों नहीं दे रहे? पूरी प्रदेश की जनता, हर युवा मांग कर रहा है कि जांच सीबीआई को देनी चाहिए। और सीबीआई जांच करेगी तो किस नेता का हाथ है, किसने पेपर कहां कहां भेजा है, कौन कौन सिस्टम में बैठे लोग, क्योंकि मिली भगत है, सारी चीज सामने आ जाएगी। क्योंकि युवाओं को तो पता होना चाहिए ना कि पेपर कहां कहां गया, कौन कौन इसमें मास्टरमाइंड है, कौन कौन राजनेता है, तो सब जानना चाहते हैं। और जब तक इसका खुलासा नहीं होगा, अपराधी जेल में नहीं जाएंगे, सख्त कानून नहीं बनेगा, तब तक ये राजस्थान के युवा बेरोजगार अपने आप को ठगासा महसूस करेंगे। आपकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री जी कि आप घोषणा करें और कहे, आपने तो उस समय कह दिया कि आंदोलन बीजेपी का है, अब आंदोलन राजस्थान के बेरोजगारों का है। 5 तारीख को भी हमने प्रदर्शन किया और अब वापस 14 अक्टूबर को फिर शहीद स्मारक में आमर अनशन पर बैठ रहा हूं। या तो मेरी मौत होगी या आप लोगों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि कब तक बेरोजगार अपना आपको ठगासा महसूस करेगा? कई बार सरकार से समझौता हुआ, समझौते की मांगे आज भी अधूरी है। अब हमने पूरी सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। हालांकि परिस्थितियां विपरीत है कि कई लोग राजनीतिक लोगों ने इस पूरे मामले को राजनीतिकरण कर दिया और सवाल हमारे संघर्ष हमारी मेहनत पे उठने लगे, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अब मेरे प्रदेश का बेरोजगार न्याय मांगता है। शिक्षा मंत्री जी, आपको जवाब देना होगा, युवाओं की आवाज का जवाब देना होगा आपको। या आप जवाब नहीं दे सकते हो तो कम से कम आप, जब तक न्याय नहीं मिल जाए बेरोजगारों को, तो कम से कम ये आप मत कहिए कि पारदर्शिता के साथ भर्ती हो चुकी है। आप ये मत बोलिए कि कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। आप पहले बोले थे बेरोजगार धरना प्रदर्शन नहीं करे, वो तो बीजेपी के लोग हैं। अरे हम खुद बोल रहे ना, हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने तो कांग्रेस को समर्थन दिया था, तो आज बेरोजगार न्याय मांग रहा है। आप जांच करवाई ना सीबीआई से, पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, कौन दोषी है, सारी चीजें प्रदेश की जनता के सामने आ जाएगा। फिर बात कर रहे हैं, मेरे आपसे दो सवाल है कि आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं, क्या आपको प्रदेश की जो पुलिस है उन पे भरोसा नहीं है? दूसरा मेरा सवाल है कि आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हुई थी, उन्होंने आपने कहा कि उन्होंने मांगों को आगे फॉरवर्ड कर दिया है, वो इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस सरकार ने परीक्षा को आयोजन करते समय दिखाई थी, जो कोशिश दिखाई थी, वो शायद इस समय जो आपकी मांग आपने रखी है उस पर शायद कोशिश दिख नहीं रही सरकार की ओर से। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आने वाले समय में हमें कोई दोषी नहीं ठहराएगा कि आपने सरकार से बात नहीं की। सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री जी को मैं सारी चीजों से अवगत करवा के आ चुका हूं, एक नहीं तीन तीन मंत्रियों को अवगत करवा दिया, संबंधित मुख्यमंत्री जी अधिकारी को अवगत करवा दिया। अब आर पार की लड़ाई का ऐलान करे, चाहे उत्तर प्रदेश जाए, चाहे विधानसभा उपचुनाव में जाए, क्योंकि फिर ये कहते हैं कि विपक्ष के इशारे पे ये लोग काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप लगते, तो विपक्ष से पहले हमने पक्ष को ज्यादा महत्वपूर्ण महत्व दिया है। मुख्यमंत्री जी से मिलना, दो दो मंत्रियों से वार्ता करना, दाना स्तर पर प्रताप सिंह खाचरिया आए थे, उनसे बात करके उनको सारी पीड़ा बताना, तो सारी चीजें हमारे तरफ से जो करना था हमने कर दिया। सरकार के पाले में गेंद है, अब सरकार को न्याय करना है, और सरकार न्याय नहीं करेगी तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। फिर हमें कोई दोषी नहीं ठहरा सकता कि आपने सरकार तक बात नहीं पूछाई, आप सरकार के मुखिया से नहीं मिले, सरकार के मंत्रियों से नहीं मिले। हम सबसे मिल चुके हैं और हार जोड़कर हमने भीख मांगी है कि मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को न्याय दे दीजिए, लेकिन अब न्याय नहीं मिलता तो कोई भी, क्योंकि देश की जनता, प्रदेश की जनता, मीडिया, हर व्यक्ति कहेगा कि ये इंसान आज अनशन पे बैठा है और अपनी जान जोखिम में डाल रहा, लेकिन उससे पहले मुखिया से, मंत्रियों से, सबसे मिलकर आया हूं, सबके सामने बात रखी है और आर पार की लड़ाई का हमने ऐलान किया, लेकिन ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, क्योंकि प्रदेश के युवाओं के भविष्य का सवाल है, इसलिए सरकार को मानना होगा, मुखिया को मानना होगा। और जो हमारे जो अन्य मुद्दे थे जिसमें लिखित में समझौता हुआ था, वो लिखित के समझौते भी आज भी अधूरे हैं, वो समझौते भी पूरे हो, मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को न्याय मिले। अब किसी भी हालात में पीछे नहीं हटेंगे, अब आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। बात करें आपने सीबीआई की जांच की मांग करी, क्या प्रदेश की पुलिस पे भरोसा आपको नहीं है? क्या प्रदेश की पुलिस है उतनी सक्षम नहीं है कि जो सीबीआई जांच कर सकती है वो प्रदेश की पुलिस कर पाए? बड़े शर्म की बात है, अभी तक जो मुख्य सरगना बत्ती लाल मीणा अभी तक नहीं पकड़ा गया, उनके साथी नहीं पकड़े गए, आज उसका खुलासा नहीं हो पा रहा कि कौन कौन से राजनेता है, तो कैसे विश्वास कर ले, कैसे विश्वास कर ले अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं?
कैसे विश्वास कर ले कि लाइब्रेरियन का जो पेपर लीक हुआ वो कहां से हुआ, कौन अपराधी था, कौन शामिल था, आज तक पता नहीं चला, मामला दब गया। ऐसा ही का पेपर बीकानेर से पाली आया, 12 लोगों ने गिरफ्तारियां 12 लोगों को हुई है, वहां पेपर सोल होकर वापस बीकानेर भेजा गया, वीडियो बाहर आया, ओमार सीट आई ऐसा ही के, तो कैसे विश्वास कर ले आज तक कार्रवाई क्यों नहीं, कितने डमे अभ्यर्थी पकड़े गए लेकिन वो जेल से बाहर चले जाते। तो सख्त रवैया पुलिस का नहीं है, सवाल पुलिस के ऊपर भी उठ रहा है, क्योंकि आखिरकार आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करे, आपको सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसा ही का पेपर कहां कहां गया, बीकानेर से पाली आ गया तो क्या और व्हाट्सएप ग्रुपों में सर्कुलेट नहीं हुआ और कहीं नहीं गया, ओमार सीट बाहर आ गई, वीडियो बाहर आ गया, वही रीट के हालात देखो आप, कि जो निमराना का जो पेपर, वहां पेपर देरी से पूछाने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त नहीं किया गया, नहीं परीक्षा केंद्र के खिलाफ कार्रवाई हुई और मान्यता रद्द हुई परीक्षा केंद्र की। इसके अलावा जो आवाज उठाने वाले 6 लोगों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। तो ये सवाल उठ रहे पूरे सिस्टम पर और सरकार पर भी सवाल उठ रहे, सरकार की दाव पर बड़े सवाल उठ रहे कि सरकार को इसका परिणाम आने वाले समय में पूरी कांग्रेस पार्टी को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि मैं इस समय मेरे युवा के साथ हूं और मैं खुला मोर्चा कांग्रेस के खिलाफ खोल रहा हूं, क्योंकि जब तक मेरा युवा को न्याय नहीं मिल जाता मैं इस संघर्ष को नहीं रोकूंगा, क्योंकि युवाओं ने मांग की कि हमारी मांग है कि भर्तियों की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और युवा की मांग से सीबीआई से जांच की हम मांग कर रहे हैं, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि आखिरकार इन चीजों को क्यों दबाया जा रहा है। रीट का मामला है, उससे पहले एसआई को सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन एसआई में जो पेपर आया और स्पष्ट है, एसपी ने बयान दिया कि पेपर हल करके पाली से बीकानेर भेजा, 12 लोग पकड़े गए, वो कहां कहां गया, ऑडियो आना, मोबाइल अंदर जाना, ओमार सीट आना, उसकी जांच कौन करे, तो कैसे विश्वास कर ले यहाँ के पुलिस तंत्र में कैसे कर ले, क्योंकि ये सारी चीजें कमियां है, इसलिए विश्वास मेरा नहीं पूरी जनता और युवाओं का उठता जा रहा है, पुलिस और सरकार को अपना सिस्टम सुधारना होगा। आपने काफी लंबे समय से सरकार से मांगी रख रखी है, रीट परीक्षा तो बात करें वो परीक्षा का आयोजन अभी हुआ था, लेकिन उससे पहले भी कई परीक्षाओं का आयोजन हुआ है, जो 2018 के आपके आरएस के पेपर थे उनके इंटरव्यूज अभी हुए हैं, तो कैसे कहा जाए कि आरपीएससी के जो पेपर करवाने का तरीका है वो सही नहीं है, सरकार कोशिश ही नहीं करना चाहती कि जो ये पेपर आउट होते हैं उसको सुधारा जाए और प्रदेश के युवाओं को नौकरी दी जाए, क्योंकि जब तक प्रदेश का युवा नौकरी नहीं पाएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखो बड़ा दुर्भाग्य है, आप सबने देखा होगा कि आरपीएससी के सदस्य का नाम आया घुसकांड में आरएस को लेकर, और कई लोग आरएस से इंटरव्यू को लेकर विवाद सामने आए, आज तक न खुलासा हो पाया कि वो सदस्य कौन है, न उस सदस्यों को उठाया गया और पूरे मामले को दबा दिया गया। आरपीएससी अध्यक्ष अपने आप को कहता है कि मैं ईमानदार हूं, हरिश्चंद्र हूं, इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपके नाक के तले आरपीएससी में इतना बड़ा घुसकांड हुआ, आज वो सदस्य वहां बैठा है, आज अपराधी जेल के अंदर नहीं है, योग भविष्य के सपने के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और अपने आप को कह रहे हो कि हमने पारदर्शिता के साथ ऐसा ही भर्ती करवाई और रीट के लिए दावा कर रहे हैं कि रीट की परीक्षा भी पारदर्शिता के साथ हुई, तो जवाब दे दीजिए कि यहां से पेपर 8:30 बजे चला गया, नेट बंदी से पहले चला गया, तो क्या वो पेपर सुरक्षित है। लेकिन जो पेपर लीक करने वाले सरगना को पकड़िए, पता चलेगा कहां कहां गया है, जिस प्रकार सारे हालात बने हैं आज बेरोजगार अवसाद में है, सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, चेतावनी है बेरोजगारों की, आने वाले समय में पूरे देश से जिस प्रकार हालात कांग्रेस के बने तो राजस्थान में भी कांग्रेस खत्म हो सकती है यदि युवाओं के साथ ऐसा चलता रहा, तो युवाओं का भला होगा तो कहने की कांग्रेस का भला होगा और युवाओं का बुरा होगा तो कांग्रेस का भी पतन होगा और बुरा होगा। बात करें जिस आपने जब सीएम गहलोत साहब से मुलाकात हुई थी उसके बाद भी लगातार के ट्वीट्स हैं, वो लगातार ट्रेंड भी कर रहे हैं, कई लोग पॉजिटिव ट्वीट भी कर रहे हैं, कई लोग नेगेटिव ट्वीट भी कर रहे हैं, बात करें आपकी जो ट्वीट्स आ रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि हर पे दलाल हम पेपर रद्द करने के पक्ष में ना कि इन तेरी साथ मांगों के पक्ष में, माफ कीजिएगा शब्द मुझे बोलने नहीं चाहिए, बट जो लोग ट्वीट कर रहे हैं आपको लेकर के, लेकिन उसके साथ में कई लोग पॉजिटिव ट्वीट भी कर रहे हैं कि आप लोग टीचर बनने लायक नहीं है जो तुम लोगों को बोलने की तमीज नहीं, यानी कि आपके पक्ष में पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं नेगेटिव कमेंट्स भी हैं। लेकिन बात करी जाए तो आपके सीएम गहलोत से मुलाकात के बाद में लोगों के नेगेटिव कमेंट्स की जो बौछार है वो आपसे ज्यादा होने लगी है, फिर लोगों के आप चाहिए थे वैसे भी हैं, लगातार आपने संघर्ष किया है काफी समय से, आप संघर्ष भी कर रहे हैं प्रदेश के युवाओं की, आप मांग भी उठा रहे हैं, आपने लाठियां भी खाई है, डंडे भी खाए हैं, पुलिस की मार भी झेली है, बहुत संघर्ष भी किया है, तो सीएम गहलोत की मुलाकात के बाद जाकर नेगेटिव कमेंट्स की बौछार होने का रीजन क्या है? इसका जवाब आप खुद ढूंढ लोगे, आप उनकी आईडी चेक करोगे तो अधिकतर आइडिया बहुत कम समय में बनी है, यानी कि अभी बनाई गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक आकाओं से जुड़े हुए हैं, उनको एक तरह से ठेका दिया गया है, देसी भाषा में कहते ठेका दिया गया है कि उपेन यादव को परेशान करो,
उपेन्द्र यादव परेशान होने वाला नहीं है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 साल संघर्ष किया, 2 लाख से ज्यादा लोग सरकारी जॉब अभी कर रहे हैं, उनका और उनके माता पिताओं का आशीर्वाद प्यार मेरे साथ है, प्रदेश के लाखों बेरोजगार मेरे साथ है, इन कुछ चुनिंदों इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्वागत आपका, आप करते रहिए, आप थक जाओगे मैं नहीं थकूंगा, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपनी जगह सही हूं। और अचानक आप देख लीजिए 30 तारीख के बाद ये अचानक इतने लोग कहां से आए, क्योंकि प्लानिंग और साजिश है, और ये साजिश नाकाम होगी, मेरे प्रदेश के युवा ही नाकाम करेगा। क्योंकि युवाओं से मेरी अपील यही है, आपने सवाल पूछा है तो एक बार इनकी आईडी चेक करना, और जब पूरी डिटेल जानोगे तो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के समर्थक हैं जिनके इशारों पर ये खेल चल रहा, साजिश रच है कि एक राजस्थान का युवा है जो बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को पछाड़ दिया है, आगे निकल रहा, तो वो उनको सबसे बड़ी जलन है। लेकिन उन लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, इतनी ताकत यदि आप मेरे युवा को न्याय दिलाने के लिए लगाए तो शायद मेरे प्रदेश के युवाओं को न्याय मिल सकता है। इतनी ताकत आप मुझे गिराने में लगा रहे हो जितनी ताकत आपके युवाओं के भविष्य के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि मैं न हताश हूंगा न टूटूंगा। हौसला मेरे युवा मेरे साथ है बहुत ज्यादा बड़ा है, और युवाओं युवा साथियों से ये कहना चाहूंगा कि सब लोग सोशल मीडिया पर आपके लिए कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, लेकिन 20 तारीख हो 22 तारीख हो 30 तारीख हो 5 तारीख हो 14 अक्टूबर हो, लगातार मैं लड़ाई लड़ रहा हूं लेकिन मैदान नहीं छोड़ा और लड़ता रहूंगा, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा अमरण अनशन करने वाला मैं हूं। कई बार मैं अनशन पे आईसीयू में गया हूं और डॉक्टर ने मुझे मना भी किया कि भविष्य में कभी अनशन मत करना, लेकिन एक बार फिर मैं मेरी मौत से खेल रहा हूं 14 अक्टूबर को कि मेरे प्रदेश के बेरोजगार को न्याय मिले। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कब सत्य परेशान हो सकता पराजित नहीं होगा, आज नहीं तो कल सच्चाई सबके सामने आएगी। लेकिन जो कुछ समय में जो आईडी बनाकर कुछ समय में लोगों के इशारे पर मेरे 9 साल के संघर्ष पर सवाल उठा रहे हैं, ये मेरा अपमान नहीं, राजस्थान के लाखों बेरोजगारों का अपमान है, और सही समय पर मेरे प्रदेश के युवा ही जवाब देंगे। लेकिन ये चीज है कि आज का ये इंटरव्यू देखने के बाद पता लग गया होगा कि मैं किसी पार्टी किसी राजनेता का गुलाम नहीं हूं, मेरे युवाओं के लिए मैं लड़ता हूं और हमेशा लड़ता रहूंगा। और आप देखना कि जो लोग आरोप लगा रहे कि मैं किसी से मिला हुआ हूं, देखना वो जल्द ही मुझे सलाखों के पीछे इसलिए डालेंगे कि मैं युवाओं की आवाज उठा रहा हूं, और सब मिलकर बड़े बड़े राजनेताओं के आंखों में इसे चुभ रहा हूं कि राजस्थान में युवाओं में उपेन्द्र यादव नंबर 1 बनता जा रहा है, युवाओं का दिल जीत रहा है कि उपेन्द्र यादव को कैसे खत्म किया जाए। बड़ी बड़ी साजिशें वो रचते रहे, लेकिन आस्ते आस्ते जान दे दूंगा, न बिकूंगा न झुकूंगा, मेरी युवा के लिए लड़ता रहूंगा। बात कर रही है तो मेरा भी तजुर्बा रहा है कि मैंने अब सबसे इंटरव्यूज किए हैं फील्ड को लेकर के, मैंने भी आपको जाना है कि जब तक प्रदेश के युवाओं को नौकरी या उनको रोजगार या फिर उनकी जो मांगे हैं पूरी नहीं होती तब तक आप उस जगह से हटते नहीं है, तो कैसे कहा जाए कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद भी ऐसे लोग या फिर सरकार की ये कोशिश है या आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की या फिर कुछ ऐसे नेताओं की कोशिश है कि आपको बैकफुट पे किया जाए, गिराया जाए, जिससे कि जो मुख्यमंत्री से आपकी बात की गई है वो पूरी ना हो सके? नहीं, आप सही कह रहे हो, इसमें बहुत लोग हैं, पक्ष विपक्ष के लोग हैं, पक्ष के भी हैं, इनकी सरकार के भी लोग हैं, विपक्ष के भी हैं, क्योंकि साजिश से मेरे खिलाफ बड़ी रची जा रही है कि मुझे खत्म करने के लिए, क्योंकि कोई सी भी पार्टी रही हो कभी मैं झुका नहीं, हमेशा मैंने अंतिम समय तक संघर्ष किया। अंतिम सत्य पराजित कभी हो नहीं पाएगा क्योंकि सत्य हमेशा नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि मैं गलत हूं, यदि किसी बेरोजगार के साथ धोखा किया है कि मैं सरकार से मिला हूं या दलाली की है पैसे लिए हैं या ये किया, तो मैं कह रहा हूं ना, मैं मेरी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं, मैं देश छोड़ने के लिए तैयार हूं और जो कहे वो करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये व्यक्ति ये वो शब्द वही बोल सकता है जो ईमानदार हो सच्चा हो, बेईमान इंसान कभी जवाब नहीं देता। मैंने हमेशा सोशल मीडिया पर जवाब दिया है, क्योंकि जो चोर होता है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी आदत हो जाती है। ये भी आपका अभी वर्ड ट्रेन कर रहा है कि अगर मैं झूठा लिखता तो मैं देश छोड़ूंगा, तो देश छोड़कर जाएंगे कहां पे? देश छोड़ जाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि जिस जो ईमानदारी पे जिसके संघर्ष पे सवाल उठे लोग बेईमान साबित कर रहे, तभी तो देश छोड़ के जाऊंगा। मैं अपनी जगह सही हूं तो देश छोड़ के जाने की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने हमेशा सच्चाई के लिए लड़ा है, उन गरीब माँ बाप के आंसू का सहारा बना हूं, 2 लाख से ज्यादा लोग आज सरकारी जॉब कर रहे हैं, अब उनके माँ बाप उन बच्चों को पूछिए कि उपेन्द्र यादव राजस्थान में 7 से 8 बार अमरण अनशन किया, कितनी बार लाठियां खाया हूं, कितनी बार मैं जेल गया हूं,
शायद राजस्थान में एक भी राजनेता नहीं है। युवाओं के नाम पर राजनीति करने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए एक उपेन्द्र यादव 24 घंटे उनके लिए तैयार रहता है। अब मुझे पता है कि इस समय विपरीत परिस्थितियां है, अग्नि परीक्षा चल रही है, क्योंकि लोगों ने गंदा माहौल किया है, क्योंकि वो पैसे वाले आकाओं के हिसाब से उनके पास बड़ी आईटी टीम है, आईटी सेल है। मेरे पास आईटी सेल नहीं है, लेकिन लाखों गरीब युवाओं के माँ बाप का आशीर्वाद और प्यार है। वो प्यार और आशीर्वाद सब पे भारी पड़ेगा, आज नहीं तो कल सच्चाई सबके सामने आएगी। लेकिन इतना जरूर कह दूं, मैं जान दे दूंगा, लेकिन मैं मेरे बेरोजगार को के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा और ना मेरे बेरोजगार के सपनों को टूटने दूंगा। अंतिम क्षण तक उन लोगों के लिए संघर्ष करूंगा। बिल्कुल उपेन, बात करें आईटी सेल तो फिर भी एक बार कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा, लेकिन जो युवाओं का साथ आपके साथ है, एक बात मैंने शुरुआत में कही थी कि युवाओं का प्यार आपको हमेशा से काफी समय से मिल रहा है। बात करें अभी के समय में भी युवाओं का साथ आपको रहा है, तभी आपने इतनी कोशिश करी है, लगातार आप आमरण अनशन भी करते रहे। लेकिन बात करें तो सरकार की जो परीक्षा लेने की जो प्रणाली है, क्या आपको लगता नहीं कि वो प्रणाली बहुत पुरानी हो चुकी है, अब नई तरीके से एग्जाम्स को लेना चाहिए, जिससे कि वो जो पेपर लीक की जो प्रोसेस होती है वो कहीं ना कहीं दब सके? देखो मैंने शिक्षा मंत्री जी से पहले मुलाकात करके, जब रीट की घोषणा नहीं हुई थी तब मैंने कहा था, और शिक्षा मंत्री जी वो मेरी बात मान लेते तो रीट में इतना बड़ा विवाद नहीं होता। मैंने कहा था रीट पात्रता परीक्षा हो, प्रदेश स्तरीय मेरिट बने, क्योंकि जैसे मान लो 16,50,000 से ज्यादा लोग पात्रता परीक्षा में बैठते, छोटी मोटी ये गड़बड़िया बड़ी गड़बड़िया ये पाई गई, तो कम से कम वो पात्रता परीक्षा पास कर पाते, ठीक है ना। और पात्रता पास करने के बाद एक और शिक्षक भर्ती जो 2012-13 में हुई थी, उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान 60% आता था, तो राजस्थान के लोगों का ज्यादा नंबर भी आता था, तो वो सामान्य ज्ञान जोड़ने से राजस्थान का लोगों का भला भी होता। और दूसरी एग्जाम होती तो 2-3 लाख पास होते, 2-3 लाख पास होते तो उनके सरकारी स्कूलों में सरकार आसानी से एग्जाम करवा सकती थी, प्राइवेट जगह सेंटर देने की आवश्यकता नहीं होती, वहां वीडियोग्राफी भी हो सकती थी, बायोमेट्रिक भी हो सकती थी, सारी सुविधाएं हो सकती थी और बेरोजगारों का भला भी हो सकता था। मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले एक चीज होने के लिए, जो जो मुद्दे मैं उठाता हूं उसके बाद राजनेता कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं, उन मुद्दों की कॉपी पेस्ट करते हैं जिनके लिए मैं शुरू से लड़ रहा हूं। राजस्थान में बारह राज्य को कोटा कम हो खत्म हो वो मैं लड़ रहा हूं, बिल्कुल वो एक मांग चल रही है कि बाहर के राज्य के लोग आते हैं, बिल्कुल 3 साल से मैं लड़ रहा हूं, सारे एविडेंस मैंने दिए, गैर जमानती सख्त कानून बने, 10 साल की सजा हो, संपत्ति जब्त की जाए, ये सबसे पहले मांग उठाने वाला राजस्थान में मैं, स्कूलों की मान्यता रद्द हो और कर्मचारी लिप्त प्रकार, ये मांग भी उठाने वाला मैं। और अब जो सारी मांगे जो लगातार उठा रहे हैं वो प्रदेश के युवाओं को पता है, वो लगातार लाइव मेरा देखते रहते हैं। तो आगामी भर्तियों में सरकार यही पैटर्न लागू करे, पात्रता प्लस शिक्षक भर्ती, आगामी नई भर्तियों की मैं मांग कर रहा हूं जो अब सरकार घोषणा करे, जिसमें यही पैटर्न लागू करे, जिससे सरकार सुरक्षा के साथ करवा सकते, भीड़ कम होगी सेकंड पेज में, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी जुड़ेगा, वीडियोग्राफी बायोमेट्रिक ये तो हर परीक्षा में लागू कर देना चाहिए, वीडियोग्राफी बायोमेट्रिक। जो एक बार जो कमेटी का गठन सीएम साहब ने किया था, पूर्व आरपीएस अध्यक्ष महेंद्र सिंह कुमाऊत की अध्यक्षता में, तो मुझे बुलाया गया था, मैंने 26 सुझाव दिए थे कि बायोमेट्रिक होनी चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए, कई ऐसे सुझाव दिए थे, यदि उन सुझावों को लागू करता तो ये स्थिति आज नहीं होती। प्राइवेट जगहों पर गवर्नमेंट आगे निकालती है बच्चों को एग्जाम देने के लिए भेजती है, तो जैसे कई एग्जाम्स मैंने देखे कि एसएससी के एग्जाम्स भी जो होते हैं, जो पेपर आपका आने का होता है, अगर 4 बजे का आपका पेपर है तो 3:58 पे या फिर 59 मिनट पे पेपर आपके ऑन स्क्रीन पे आता है, तो क्या हमारी जो प्रणाली है, हमारे पास इतना इक्विपमेंट सब चीज अवेलेबल है, गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट में भी देते हैं, गवर्नमेंट में देते हैं, तो क्या उस तरीके से ये परीक्षाओं को आयोजित करवाया जा सकता है, क्योंकि उससे आपका पेपर लीक का चांसेस भी कम होगा और डिजिटल ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन तो आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस का क्या हाल हुए थे, उसको रद्द करना पड़ा और ऑफलाइन करवाना पड़ा और अपराधी मुझे जेल में मिले थे। लेकिन मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, युवाओं से भी अपील करना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि राजनेता, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, जहां राजनेताओं के हित की बात आती है रातों रात कानून बन जाते हैं, विधेयक पारित हो जाते हैं, और जहां युवाओं के भविष्य का सवाल आ रहा है, इसमें तो केंद्र सरकार को एक विधेयक पास करना चाहिए कि जो युवाओं के सपने के साथ खेलेगा उसको तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। जब ये कानून आ जाएगा तो लोगों में डर होगा। आज क्या स्थिति है कि आज जो पढ़ा लिखा युवा ये देखता है कि भाई मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन पड़ोसी जो कई लोग सेटिंग करके पैसे देके नौकरी लग जाता, वो भी अपराध की दुनिया में कदम रख रहा है कि चल ठीक है इस बार मैं भी सेटिंग कर लेता हूं, अपराधी नहीं है लेकिन वो मजबूरी में अपराध की दुनिया में जा रहा है। तो इसलिए सिस्टम को सही करना होगा, सख्त कानून होगा तो डर होना चाहिए। अपराधियों में जब तक डर नहीं होगा, जब तक उनको उम्र कैद की सजा का प्रावधान नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार को संसद में ये विधेयक लाना चाहिए और पूरे देश के युवाओं के सपनों को और उनके भविष्य को बचाने का काम
राज्य सरकार, प्रदेश, केंद्र सरकार, सबको करना चाहिए। इस समय मैं ये कहना चाहूंगा, राजनेताओं को राजनीति से परे हटकर युवाओं के सपनों को कैसे बचाया जाए, उनके भविष्य को कैसे बचाया जाए, सबको मिलकर यह करना चाहिए। नहीं कि ये नहीं कहना चाहिए कि आपकी सरकार भी हो गया था, आपकी भी हो गया था। अरे बीजेपी सरकार में भी जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस भर्ती, कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। वर्तमान सरकार, कांग्रेस सरकार में लाइब्रेरी इनका आप देख लीजिए, एसआई का देख लीजिए, रीट का देख लीजिए, जैन डिग्री का देख लीजिए, और डिग्री में फिर शिकायत मिल रही है। सरकारें दोनों हैं लेकिन सिस्टम नहीं सुधरा है ना, तो इसलिए एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय युवा का भविष्य कैसे बचे इस पर विचार करके सख्त कानून की मांग करनी चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए। आरोप की बजाय यह कहना चाहिए कि मेरे प्रदेश के युवा का भविष्य बचे, इसलिए कानून बनाई सख्त। तो किस तरह कहा जाएगी सरकार की जो आगामी भर्तियों की बात करें, तो सरकार ने जो क्या वायदे इलेक्शन के टाइम में रोजगार से लेकर के युवाओं से किए थे, क्या वो वादे पूरे करने में सरकार खरी उतरी है क्या? देखो, हम मांग कर रहे हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का सिलेबस विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए। और थोड़े दिन पहले मैंने 7 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया था, लेकिन एसआईओ रीट का जो प्रकरण आया उसमें उलझ गया। लेकिन जो मैं 14 तारीख को अनशन पर बैठ रहा हूं, तो इसमें यह मांग भी रखूंगा कि इनका सिलेबस और विज्ञप्ति जारी करे, अपना वादा पूरा करे। क्योंकि संविदा पे घोषणा की तो सब राजनेता चुप गए थे। ये लड़ाई जयपुर से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से लड़के लाठे हाके ये लड़ाई मैं जीत के 10,453 बेरोजगारों को फायदा होगा। ये लड़ाई पूरे देश को पता है कि ऐतिहासिक एक रिकॉर्ड हुआ था कि उपेंद्र यादव यहां से जाके उत्तर प्रदेश में धमाल मचा के और वो हारी बाजी जीत कर आया। अरे बहुत कुछ किया है राजस्थान के युवाओं के लिए, युवा सब जानते हैं। लेकिन युवाओं को जागना होगा, युवाओं को बताना होगा, और युवाओं को इन फर्जी लोगों को भगाना होगा जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन हमारी मांग है टेक्निकल हेल्पर भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए। साहब, ऊर्जा मंत्री जी ने और सरकार ने मना कर दिया था कि हम टेक्निकल हेल्पर भर्ती नहीं निकालेंगे, हम पद नहीं है, निजीकरण कर दिया। लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, और सरकार ने घोषणा की कि हम 1512 पदों पर हम इन्होंने स्वीकृति ली है और विज्ञप्ति निकाल देंगे। अब उसके लिए संघर्ष जारी है, जल्द विज्ञप्ति जारी हो। मैं उसके लिए भी लड़ूंगा कि दिवाली से पहले इन लोगों को तोहफा मिले और इन लोगों की विज्ञप्ति जारी हो। अब आर पार की लड़ाई के मूड में मैं आ गया, क्योंकि अब आश्वासन नहीं, मुझे परिणाम चाहिए। और इसके अलावा जैन पंचायती राज जैन भर्ती की भी हम मांग कर रहे हैं। फर्स्ट जो 19,000 पद हैं जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई भर्ती, जिसकी शिक्षा मंत्री रोज बयान देते हाँ जल्द करेंगे, जल्द करेंगे। अरे शिक्षा मंत्री जी जरा बता दीजिए जल्द कब आएगा, बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। 24 दिसंबर 2019 को आपने रात को घोषणा की थी 3,000 फर्स्ट ग्रेड पे, अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई। इसको 5,000-6,000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड निकाले, सेकंड ग्रेड निकाले, पीटीआई निकाले, और जो पंचायत राज जैन है, जूनियर अकाउंटेंट है, सूचना सहायक है, नई भर्तियां जो निकालने की मांग करें, पशुधन सहायक की विज्ञप्ति जारी करें जल्द से जल्द। तो तमाम विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियां निकाले, चतुर्थ श्रेणी के पद खाली हर विभाग में उसकी विज्ञप्ति निकाले। तो तमाम विभागों में भर्ती निकालने की मांग करें, जो लंबित भर्तियां हैं चाहे वो पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 है 10,029 पदों पर, उसको पूर्ण करें। 2012 शिक्षक भर्ती का मामला, अधिक अंक वाला मामला, कई बार समझौता हुआ है, तो सरकार उस समझौते को पूरा करे। और नर्सिंग भर्ती 2013 भी है, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती भी है, कई ऐसी भर्तियां हैं जो आज भी लंबित है, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। यानी कि बात की जाए, चाहे बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, युवाओं को लेकर के सरकार ने इतना ज्यादा कुछ सोचा नहीं कभी, क्योंकि हर बार सरकार आती है इलेक्शन में आपके वादे करती है कि हम रोजगार ये देंगे, बेरोजगार को युवा देंगे, नौकरी देंगे, ये देंगे, लेकिन सरकार शायद वो पूरा कर नहीं पाती है। मेरा आपसे ये सवाल एक और है कि भी क्या लगता है कि आपको सीएम गहलोत ने जो अपनी मांगे मांगी है वो क्या पूरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अनशन आपने अब वापस आप करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपने से बताया कि जिंदगी भी इम्पोर्टेंट होती है, किसी की महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आपने जिस तरीके से युवाओं का साथ दिया है वो भी वाकई काबिल तारीफ है। हर तरीके से युवा आपके सपोर्ट में है, लेकिन आमरण अनशन जो आपने मांगे रखी है वो किस तरह पूरी हो पाएंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा फिर सरकार वापस हर धर्मिता पे अड़ी रहेगी पूरी? देखो अच्छी बात है ना, अमर अनशन में मेरी मौत हो जाए तो सरकार का भी पीछा छूट जाएगा, राजनीतिक लोगों का पीछा छूट जाएगा, क्योंकि कम से कम मेरी एक जिंदगी जाने से यदि कि लाखों युवाओं का भविष्य सुधरता है तो उसके लिए मैं मेरी जान देने से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन बात ऐसी है कि जो सरकार के वादे हैं, जैसे प्रयोगशाला सहायक भर्ती 1534 पदों पर, जिसको 2018 की भर्ती है, और मंत्री का बयान भी था जब हमारा समझौता हुआ था कि चुनाव के बाद एक महीने में भर्ती को पूरा कर देंगे, आज भी अधूरी है। आज वो कोरोना योद्धा हैं तो उनकी 1534 पे जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी की सरकार अपना वादा निभाए, उसका परिणाम जारी करके, परिणाम ही जारी होना, ज्वाइनिंग बाकी है। और फार्मासिस्ट की विज्ञप्ति जारी होनी है, वो भी रो रहे हैं कि उसकी विज्ञप्ति हो रही, एग्जाम हो, वो भी इंतजार कर रहे हैं।
इसके अलावा रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की कुछ अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग बाकी है, ईसीजी का अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग बाकी है, नई भर्तियां रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन आनी है, नर्सिंग भर्ती आनी है, सीएचओ की वेटिंग आनी है, तो सबसे ज्यादा चिकित्सा विभाग के हालात देने हैं। तो कई जो तमाम मांगों को लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कई अभ्यर्थी दंत चिकित्सक की भर्ती की मांग कर रहे हैं, कई ओटी टेक्नीशियन की मांग कर रहे हैं, कई तमाम भर्तियों जो मांग पत्र में मैंने सरकार तक पूछा गया, जो हमसे समझौता हुआ था 23 फरवरी को रात को 12:30 बजे जो लिखित में मंत्रियों ने दिया था, उन मांगों को लेकर और जो अभी वर्तमान जो हालात बने हैं एसआई भर्ती का, रीट का, जो पेपर लीक प्रकरण, सख्त कानून, दोषियों को सजा, बत्तीलाल को पकड़वाना, उनके पर्दाफाश करना कौन कौन राजनेताओं का हाथ है, बच्चियों को न्याय मिले, और इसके अलावा जो 6 लोगों मुकदमे दर्ज वो वापस हो, इन सबको लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। और सबसे पहले आपके इस इंटरव्यू में पूरे प्रदेश के युवाओं तक मैसेज भी किया है, और ये लड़ाई बहुत गंभीर होगी, क्योंकि गंभीर इसलिए होगी कि सरकार को इसका परिणाम उल्टा भुगतना पड़ सकता है उपचुनाव से लेकर आने वाले समय में, जो भी चुनाव हो सरकार के हालात बेकार हो सकते हैं। अभी भी सरकार को, कांग्रेस सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को समझना होगा कि जिस प्रकार उनके जो पुलिस नाकाम हो रही है, जिस प्रकार उनके अधिकारी सुन नहीं रहे, नाकामियां जैसे भर्तियों को अटका रहे हैं, जिस प्रकार मंत्री नहीं सुन रहे, जिस पर मुख्यमंत्री जी को मैंने सारी चीजें बता दी, मुख्यमंत्री जी को सब पता है, अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। मुख्यमंत्री जी, अब यदि आप चाहते हैं युवा आपके साथ रहें तो युवाओं की सुननी पड़ेगी, अन्यथा युवा आपके खिलाफ होंगे, आपके खिलाफ मोर्चा को लेके। उपेंद्र, आपसे अंतिम सवाल है कि फिलहाल आपके जो 700 मांग आपने रखी है, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से एक बार फिर युवाओं को बताएं, जैसे कि युवा भी वो मांग जान सके और आपके साथ वो जुड़ सके, क्योंकि बेरोजगार युवा को आगे बढ़ने के लिए संघर्ष लगातार करना ही रहेगा। देखो, 700 मांगों में एक तो रीट एसआई की सीबीआई से जांच है, जो युवा सब चाहते हैं। कई लोग सवाल कह रहे हैं कि आप रद्द के लिए क्यों नहीं कह रहे, सवाल आ रहे होंगे शायद, कमेंट आ रहे होंगे। जब सीबीआई जांच करेगी ना, तो सीबीआई ने चौटाला जैसे कई लोगों को नहीं छोड़ा जेल में, और जांच होगी तो फिर पेपर भी नहीं बचेगा, भर्ती परीक्षा भी नहीं बचेगी, अपराधी भी नहीं बचेगा, राजनेता भी नहीं बचेंगे। इसलिए सीबीआई की जांच एसआई भर्ती और रीट के अलावा बत्तीलाल की भी हो, जिससे वो लोग इसके साथ जो है वो भी जेल के अंदर जाए, उनका पर्दाफाश हो। इसके अलावा सख्त गैर जमानती कानून बने, 10 साल की सजा का प्रावधान हो और उनकी संपत्ति जब्त हो, जैसे हरियाणा में कानून आ रहा है, तो ऐसा कानून राजस्थान में जल्द से जल्द विधेयक पारित हो, जल्द से सरकार घोषणा करे। जिन बेटियों के साथ अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय हो, जो समय पर पूछ के उनको एग्जाम से वंचित कर दिया गया, 3 बेटी सीकर के, इसका और भी है। इसके अलावा 6 निर्दोष अभ्यर्थी है, जिन पे केवल आवाज उठाया कि पेपर देरी से क्यों पूछा, मोबाइल अंदर कैसे आया, नकल क्यों होती, उनके राजकार्य के एक नहीं, 2-2 मुकदमे दर्ज कर दिए, एक राजकार्य का, एक संस्थान के द्वारा, तो उस संस्थान की मान्यता रद्द हो और इनके खिलाफ जो मुकदमा है ना वापस लिया जाए। इसके अलावा जो और भी जो मांगे हैं, 7 मांगे हैं, वो सोशल मीडिया पर मैंने डाल दिया। इसके अलावा जो और मांगे इसमें ऐड वो हैं, जो सरकार से हमारा लिखित में समझौता हुआ है, वो समझौता जल्द से जल्द पूरा करें, चाहे कंप्यूटर भर्ती का सिलेबस और विज्ञप्ति हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक भर्ती हो, चाहे 2012 भर्ती का हो, चाहे नई पीटीआई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का मामला हो, जो तमाम, चाहे टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति हो, चाहे पंचायत राज जैन हो, तमाम वो मुद्दे हैं जिनके लिए आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे। और एक चीज और मैं बता रहा था, अब जो सोशल मीडिया पे जो जिस प्रकार जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, कुछ लोग बत्तीलाल के समर्थक हैं, कुछ लोग जिनकी मान्यता रद्द होने वाली है स्कूलों की परीक्षा के अंदर वो है, कुछ लोग जो इसमें लिप्त पेपर लेने वाले वो उसके रिश्तेदार हैं, कुछ लोग वो राजनेता हैं जिनके पोल पट्टी खुलने वाली है वो जेल जाने वाले वो हैं, कुछ लोग यह हैं जो जिनकी दुकानें मेरी वजह से बंद हो गई, उनको लगता है कि उपेन यादव बहुत आगे बढ़ रहा है, तो है तो सारे इकट्ठे होकर उनको लगा कि आप अटैक कर देते हैं, लेकिन इस अटैक में उपेन यादव आने वाला नहीं है। उपेन यादव अंतिम क्षण तक लड़ेगा, और खुला चैलेंज देता हूं तुम लोगों को, जितना दम है लगा लो, ईमानदारी से लड़ता और हमेशा लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें, मुझे पता है, मैंने एक ट्वीट भी किया था, साजिशों का दौर शुरू हो चुका है और जल्द ही ट्रोल करने वाले अटैक करेंगे, क्योंकि मुझे पहले ही पता था और वो अटैक अब कर रहे हैं, तो इससे मैं घबराने वाला नहीं हूं, ना मैदान छोड़ने वाला हूं। मैदान उन लोग, वो लोग छोड़ेंगे, और उन लोगों को मैं मैदान छुड़वाऊंगा जो बेईमान है, भ्रष्ट है, राजनीति करते हैं, युवाओं को बेवकूफ बनाते। और एक चीज और बताना चाहूंगा आपके चैनल पर, एक चीज और, जब मेरा युवा संकट में होता है, अभी जो बिजली विभाग की जो एलडीसी की जो भर्ती है, पटवारी की सेम परीक्षा कलेक्ट कर रही है, यानी कि टकराव हो रहा है, उसमें कोई नहीं बोल रहा। मैं कल जो सुबोध अग्रवाल जी से मैं खुद मिल के आया हूँ, अब फिर अब मिलने जा रहा हूँ, तो उन बेरोजगारों को राहत मिली, उनकी आवाज मैं उठा रहा हूँ। टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति जारी हो,
उनके साथ में हूं। कंप्यूटर भर्ती का मामला हो, प्रयोगशाला सहायक, जो तमाम भर्तियां नई भर्तियां जो फर्स्ट ग्रेड की आवाज में उठा रहा हूं, सेकंड ग्रेड की मैं उठा रहा हूं, पीटीआई की जो 19,000 टोटल तमाम पदों की मैं आवाज उठा रहा हूं, पंचायत राज जैन की मैं उठा रहा हूं। जब बेरोजगार संकट में जो भर्तियों की मांग करता है वो रो रहे हैं कि भर्ती निकालो, वादा पूरा करो, हम एग्जाम देंगे, परिणाम निकालो, ज्वाइनिंग दो, तो कोई भी साथ नहीं होता। ये तो माहौल आया, समर्थक लाए, माहौल बनाया, आंदोलन किया, हमारे इस मामले को हाईजेक किया और वाई वाई लुटी गई। पहले दिन से मैं संघर्ष कर रहा हूं नई भर्तियों के लिए, लंबित भर्तियों के लिए, कानून बनाने के लिए, बाहर राज्यों का कोटा खत्म करने के लिए और भर्ती परीक्षा हुआ कैलेंडर जारी करने के लिए। पहले दिन से मैं संघर्ष कर रहा हूं, आज भी मैं साथ हूं युवाओं के साथ। जब संकट में रहेंगे उपेन्द्र यादव भी मिलेगा, ये राजनेता गायब हो जाएंगे। बिल्कुल, कहा जाए कि सरकार जो है वो सही तरीके से आगे फॉरवर्ड पे काम नहीं कर रही है। फिलहाल बात करें तो उपेन हमारे साथ हैं, वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं की नौकरी के लिए युवाओं को संघर्ष भी करना होगा, उसके लिए उपेन उनके साथ में है। 14 तारीख को उनका अनशन शुरू हो जाएगा, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, साथ में साथ मांगे भी रखी है। और सरकार मैं एक चीज और लास्ट में आपको बात समझ चाहूंगा कि मैं बात रोक रहा हूँ। कई लोगों ने एक सवाल पूछा, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं सफाई नहीं देता, मेरे युवा तक बात पूछे कि उपेन्द्र यादव ने 7 दिन का समय क्यों लिया कि 7 दिन में हमारा मामला ठंडा हो जाएगा। 7 दिन का समय इसलिए लिया, मंत्रियों ने मेरे से रिपोर्ट ली, मुझसे कुछ सबूत मांगे और सारी मांग पत्र बोले लिखित में आपके लेटर पैड पे दो, क्योंकि उस समय मेरे साथ और लोग गए थे तो वो अपने एप्लीकेशन अलग अलग लिख रखी थी। और मैं जब पहले सीएमओ में जब सारी चीज रख चुका था तो मैं मांग पत्र नहीं लेके गया था कि मैं दे चुका हूँ, सीएम तक अवगत करा दिया। तो मैं जब सीएम साहब को मैंने लिखित में नहीं दिया था, उन्होंने मुझे पूछा, मैंने मौखिक ही बोला था, तो उन्होंने कहा कि हम सीएम साहब को पूरी रिपोर्ट बना के देंगे, आप लिखित में दो, सीएमओ में भी दो। तो उसके बाद मैंने 7 वाली जो मांग वाली मैंने लिखित में मंत्रियों को पूछा दिया, सीएमओ में दे दिया, मुख्यमंत्री तक पूछा दिया। उन्होंने जब मुख्यमंत्री जी से मिला था तो उन्होंने कहा कि मैं एसओजी के अधिकारियों से, तमाम अधिकारियों से पूरे इनपुट लूंगा, पूरी जानकारी लूंगा, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, यही मंत्रियों ने कहा। तो कल मान लीजिए मैं 2 दिन बाद ही आंदोलन करता कि हमें तो सरकार ने कुछ समय ही नहीं दिया। तो सरकार को 7 दिन का समय है बत्तीलाल को पकड़ने के लिए भी, वो पर्दा पास करने के लिए भी, राज खोलने के लिए भी, और पेपर लीक कहाँ कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ गया, कौन कौन लिप्त है, तो सरकार के साथ ये नहीं कह पाए कि हमें समय नहीं दिया। इसलिए सरकार को 7 दिन का समय दिया, 7 दिन में इस चीज का सबका पर्दा पास करे, बेरोजगार न्याय प्रदान करे, इसलिए 7 दिन का समय दिया। इसलिए 7 दिन बाद मैं 14 अक्टूबर को अमर अनशन बैठ रहा। बिल्कुल, कहा जाए कि उपेन्द्र ने 7 दिन का सरकार को समय दिया है, जिससे कि सरकार अपनी जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर सके, अपनी ग्रुप्स के द्वारा, अपनी इंफॉर्मेशन के द्वारा जो आरोपी हैं उनको पकड़ सके। लगातार सरकार कोशिश करे कि जो आगे एग्जाम्स होते हैं उसको, उपेन्द्र ने बताया कि जिस तरीके से सरकार एग्जाम को अगर ऐसे कंडक्ट करती है तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका फायदा हो भी सकता है। फिलहाल हमारे आज की गुफ्तगू में अभी इतना ही। उपेन्द्र जो लगातार युवाओं की आवाज है और शुरू से ही काफी 9 साल से वो संघर्ष भी कर रहे हैं और हमेशा से युवाओं के लिए वो आगे भी रहे हैं, तो युवाओं का साथ उपेन्द्र के साथ हमेशा रहा है और रहेगा। सही, नमस्कार।